दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की अध्यक्षता में क्राइम मीटिंग का किया गया आयोजन। इसमें सिटी एसपी योगेंद्र कुमार तथा डीएसपी अनोज कुमार सहित सभी थाना अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने सभी थानों से जुड़े हुए लंबित केसों का डिस्पोजल करने, वारंटी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और रात्रि गश्ती नियमित रूप से करने और लंबित कांडों का निष्पादन में तेजी लाने की हिदायत दी। दरभंगा जिला के विख्यात धर्मगुरु मदरसा इस्लामिया के सचिव हाजी मौलाना सैयद अबू अख्तर काश्मी साहब के कार्य और उनकी जीवनी पर आधारित मौलाना अबू अख्तर काश्मी के हयात व खिदमात विषय पर बीबी पाकर कर्मगंज दरभंगा में एक दिवसीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नालंदा जिले में क्राइम हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, शादी समारोह में युवक को बुलाकर मारी गोली, हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को पहुंचाया उसके घर पर। मधुबनी जिला के जयनगर में एनएच 227 पर पुलिस वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें डीएसपी समेत चालक व गार्ड घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने वाहन का शीशा तोड़कर सभी को वाहन से बाहर निकाला। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल चालक बैजनाथ उड़ान की हालत गंभीर देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। बक्सर जिला में हत्या लूट चोरी समेत कई मामलों का पुलिस ने किया उद्भेदन, जिसमें 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार, जिसके पास से कट्टा पिस्टल और कारतूस के साथ कैश भी किए गए बरामद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के लिए छात्र संघ ने दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को सौंपा ज्ञापन। ऐसा जिला कमेटी की बैठक की गई आयोजित, जिसमें वर्तमान मोदी सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को शिक्षा व्यवस्था को तबाह करने का पुलिंदा कहा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को रिजेक्ट करने के लिए छात्रों, अभिभावकों और बुद्धिजीवियों से ऐसा ने की अपील। सकरी बिरौर रेल खंड पर भगवती हॉट निर्माण का प्रारंभ करने की मांग को लेकर दरभंगा जंक्शन पर राम मोहन झा की अध्यक्षता में दर्जनों की संख्या में लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद रेल प्रशासन वाराणसी हॉट निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रही है। मधुबनी जिला के जयनगर में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर विशेष अभियान चलाकर 5 मोटरसाइकिल पर रखे देशी विदेशी शराब के साथ 3 शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जबकि 2 शराब तस्कर पुलिस को देखकर भागने में रहा सफल। पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी पहुंचे वीवो हेल्थ केयर पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट दरभंगा में, जहां वीवो हेल्थ केयर पारा मेडिकल के निदेशक शाहिद अतर ने किया उनका हार्दिक स्वागत। मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने वीवो के चेयरमैन डॉक्टर अहमद नसीम आरजू और निदेशक शाहिद अतर को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम आशा करते हैं कि यह संस्था जल्द से जल्द कामयाबी की ओर बढ़ते हुए चिकित्सा जगत में सर्वोत्तम सेवा देने का प्रयास करें।